बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड्स एंड स्टाइल। वीवर्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक, खैरियत से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह करे बहुत खुश भी हों, और अल्लाह करे सारी परेशानियां भी दूर हो जाएं। तो वीवर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रोशे के कुछ ब्लाउज़ हैं, कुछ टॉप हैं, कुछ कुर्तीज़ मिलेंगी इसमें, कुछ डिज़ाइन मिलेंगे, कुछ स्टाइल मिलेंगे, और कुछ डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे आपको, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे हैं। वीवर्स, ये क्रोशे के जो ये काम हैं, इनकी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, यहाँ तक कि ज्वेलरी तक ये जो है इसकी आजकल इन है और बहुत ज़्यादा बनाई जा रही हैं। शूज़ भी, ज्वेलरी भी, शर्ट भी, शॉल भी, और बच्चों के जो है ब्लैंकेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। इसी तरह जो है अगर आपको बनवाने हों तो हर जगह पर, हर मुल्क में, हर शहर में जो है, जो छोटे छोटे गांव गोट होते हैं, जहाँ पर कस्बे होते हैं, जो वहाँ पर कुछ लेडीज़ होती हैं, वो बनाती हैं घरों में अपने। आप जो भी डिज़ाइन दिखाएंगे तो वो अपने घरों में बनाकर जो है आपको दे देंगी। आप मालूम कीजिएगा किसी से भी, वो आपको ज़रूर बना देंगे, या आप लोग जानते ही होंगे कि ये काम सदियों से चला आ रहा है। क्रोशे के जो काम हैं वो सदियों से चले आ रहे हैं, और आज भी ये बहुत ज़्यादा फैशन में हैं, बहुत ज़्यादा इन हैं, इनको न्यू जो है लुक दे दी गई है। जैसा कि मैंने बताया कि ज्वेलरी में आप देखेंगे कि ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा इसकी बनाई जा रही है और पसंद की जा रही है, बहुत खूबसूरत लगती है। और इसी तरह आप इस वीडियो में देखेंगे कि नेक लाइन और जो स्लीव्स हैं वो सिर्फ क्रोशे के बनाई गई है, क्रोशे से बनाई गई हैं, और लेसिस की तरह जो है उसे यूज़ किया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। जो है इसकी जो भी दिल चाहे आप अपने लिए पसंद कीजिए, बनवाइए, पहनिए, और तारीफ़ करवाइए और खुश होइए। और व्यूअर्स, चलो तो फिर, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और व्यूअर्स, अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, फ्रूट एंड जूस ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, और चटपटा मसालेदार या गर्म चीज़ें कम लीजिए उससे, और दूध पीजिए। इन चीज़ों से है जो है कलर जो है फेयर होता है, स्किन बहुत अच्छी होती है, और हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यानी कि हम सेहतमंद रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुश रखें।